अगर आपने अभी तक निर्जा की रसोई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, निर्जा की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ घेवर कैसे बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं। आज हम आपको सिखाएंगे घेवर कैसे बनाते हैं। तो घेवर बनाने के लिए देखिए, हमने 250 ग्राम मैदा लिया हुआ है और आधा कप हमने दूध लिया हुआ है, ये नॉर्मल दूध है, और 1/4 कप हमने देसी घी लिया हुआ है और 1 नींबू का रस लिया हुआ है, और हमने ये 250 ग्राम चीनी ली हुई है। तो सबसे पहले देखिए, हम एक बीकर लेते हैं, एक बर्तन लेते हैं और इसमें हम घी को डाल देते हैं, घी इसमें डाल देते हैं। और इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे। इसमें देखिए हमने ठंडा पानी लिया हुआ है, ठंडा पानी डाल देते हैं। आप इसको मिक्सी में भी फेंट सकते हैं और चाहे तो आप इस मशीन में से भी इसको फेंट सकते हैं। तो देखिए, हम इस मशीन से इसको फेंट लेते हैं। पानी और घी को हम फेंट लेते हैं अच्छी तरह से। देखिए, हमने पानी और मक्खन घी को इसमें फेंट लिया है। तो ये देखिए, घी देखिए इस तरह से हो गया है। इसको हम 2 मिनट के लिए और फेंटते हैं। अब हम इसमें दूध मिक्स कर देते हैं, आधा कप दूध मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा दूध और बचा हुआ है, इसको भी डाल देते हैं। अब हम इसमें धीरे धीरे मैदा ऐड करेंगे। एक साथ ज्यादा मैदा नहीं डालेंगे, धीरे धीरे मैदा ऐड करते हैं।
फिर फेटेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करते जाएंगे। अब हम इसमें और मैदा ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे और इसको फेंटते हैं। इतना मैदा बचा हुआ है सारा इसमें ऐड कर देंगे और पानी भी इसमें और ऐड करेंगे। इसमें हम 3 कप हमारा पानी लगेगा कम से कम। अब इसमें हम पानी और ऐड कर देते हैं। अभी ये वैसे गाढ़ा है, इसमें पानी इसमें भी और डालेंगे। हम थोड़ा बर्फ डाल देते हैं। ये देखिए हमारा ये घेवर बनाने के लिए घोल तैयार हो गया है। अब हम गैस के पास चलते हैं और चाशनी बना लेते हैं। सबसे पहले हम देखिए चाशनी बनाने के लिए हमने एक पैन चढ़ा दिया है और इसमें हम 250 ग्राम चीनी डालते हैं और इसमें पानी डालते हैं। अब इसको खौलने देते हैं। इसको चलाते रहेंगे और अगर हम चलाएंगे नहीं तो ये चीनी जलने का डर है, तो इसको चलाते रहेंगे जब तक चीनी हमारी घुल ना जाए। तब तक हम चाशनी देखिए हमारी बनकर तैयार हो गई है और हमें एक तार की चाशनी बनानी है। अब हमें देखिए इसमें हमने थोड़े से केसर के दाने जो हैं वो हमने पानी में भिगो के रखे थे वो इसमें मिक्स कर देते हैं।
अब देखिए चाशनी हमारी बनकर अच्छी तरह से तैयार हो गई है। अब हम इसको चेक करने के लिए ये हम इसको देख लेते हैं कि हमारी एक तार की चाशनी बनी है कि नहीं है, इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए हम चम्मच की सहायता से इसको ये इस तरह से करके उंगली देख लेंगे। ये देखिए हमारे तार बन रहा है, इसके मतलब हमारी चाशनी एक तार की चाशनी बनकर तैयार हो गई है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। ऑयल देखिए हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हम धीरे धीरे इसमें बैटर डालते हैं। तो चम्मच की सहायता से देखिए हम इसमें बैटर डालेंगे और आंच को तेज रखेंगे और बैटर जो है बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। चम्मच की सहायता से धीरे धीरे बैटर को डालेंगे। जब हमारा ये बैठ जाएगा तब हम दोबारा डालेंगे। ये देखिए बैटर को हम थोड़ा सा साइड से भी डाल देंगे। ये देखिए अब देखिए चाकू की सहायता से हम इसको धीरे धीरे इस तरह से करेंगे। धीरे धीरे करेंगे, नहीं तो एकदम से करेंगे तो ये टूट जाएगा। फिर हम इसको पलटेंगे, एक लकड़ी की सहायता से इसको बीच में एक होल टाइप का कर देते हैं। अब हम इसको धीरे धीरे पलटने की कोशिश करेंगे। ये देखिए घेवर हमारा घूम रहा है और अब हम इसको धीरे से पलटेंगे। अभी थोड़ा सा और अच्छी तरह से हो जाइए। अब देखिए हम इसको पलट देंगे। ये देखिए घेवर हमारा कितना अच्छा सा हुआ है, इसको हम पलट देते हैं। घेवर को बहुत ज़्यादा लाल नहीं करेंगे और इसको अब हम निकालते हैं। इसका ऑयल जो है निकल जाने देंगे। गैस को स्लो कर लेंगे। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे घेवर बने हुए हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं।
और कितने अच्छे हैं। इसी तरह से हम सारे घीवर बना लेते हैं। ऑयल देखिए मगा गरम है। अब हम धीरे धीरे इसको फिर इसमें बैटर डालते हैं। बर्तन है जो बहुत बड़ा नहीं लेना चाहिए, छोटा लेना चाहिए। और मार्केट में वैसे घीवर मोल्ड भी मिलते हैं, आप घीवर मोल्ड भी ले सकते हैं, या फिर छोटा भगोना हो उसमें भी, जैसे मैं बना रही हूँ इस तरह से भी कर सकते हैं। और देखिए साइड से भी डाल देंगे हम इसमें। अब देखिए इसको हम पलट देते हैं। अब देखिए इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा हमारा घीवर बनकर तैयार हुआ है। अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सारे घीवर बनाकर तैयार कर लेते हैं। घीवर बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितने अच्छे बने हुए हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा चाशनी, जो हम लोगों ने चाशनी बनाई हुई थी, ये एक टाल की चाशनी, ये हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा डाल देते हैं। ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि घेवर जो है ज़्यादा मीठे नहीं अच्छे लगते हैं, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा इसमें चाशनी डालेंगे। ये देखिए चाशनी हमने बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं डाली है, थोड़ी ही डाली है। अब हम इसमें जो है, एक तो चाशनी में हम ड्राई फ्रूट्स डाल के बना सकते हैं और एक के ऊपर रबड़ी डाल सकते हैं। तो देखिए हम आपको दोनों तरह से सिखाते हैं। ये हमने चाशनी इसमें डाल दी है, तो इसमें हम देखिए थोड़ी सी चाशनी और डालेंगे। और इसके ऊपर हम ये थोड़े पिस्ता लगा देते हैं। ये देखिए पिस्ता हो गया हमारा। और ये हमारे काजू है, ये उसको भी इसमें डाल देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा हमारा घेवर बनकर तैयार हुआ है। और अब देखिए एक के ऊपर हम ये रबड़ी, रबड़ी जो है आप मार्केट में भी मिलती है बनी बनाई, या आप घर में जो है दूध से रबड़ी बना लीजिए, उसके बाद ये रबड़ी इसके ऊपर डालिए। घेवर के ऊपर ये रबड़ी डालकर हम ज़्यादा दिन इसको नहीं रख सकते हैं। और ये कम से बस रबड़ी डालेंगे तो आपकी 2-3 दिन ये चल पाएगी, और जो है ये सूखे वाले जो बनाएंगे वो आपके ज़्यादा दिन
चल सकते हैं। अब आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए। थोड़ा सा पिस्ता डाल देंगे। इसके ऊपर भी ये घीवर आप जो है 15 दिन तक रख के खा सकते हैं। ये देखिए हमारे घीवर बनकर तैयार हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह नई नई वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। आप रक्षाबंधन में घेवर बनाकर ज़रूर ट्राई करिए। थैंक यू।